नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं अपने शहर हिसार में और हिसार में मेरे साथ हैं 80 साल के वैद्य छबीलदास नेहरा जी। छबीलदास नेहरा जी ने 58 साल तक आयुर्वेद की प्रैक्टिस की है। आयुर्वेद के जो मंत्र हैं, आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, आयुर्वेद का जो ज्ञान है, इनको कंठस्थ याद है। और पिछले 3 साल से ये वैदगिरी छोड़ के भगवान का जो भजन है वो कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे आग्रह पे इन्होंने आयुर्वेद पर बातें करने का मन बनाया है। तो आज वैद्य छबीलदास नेहरा जी से पूछेंगे कि आयुर्वेद में उन्होंने किन किन बीमारियों को साधा है और किन किन बीमारियों का घर पे आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो वैद्य जी का स्वागत करते हैं हम। वैद्य जी, आपका स्वागत है। अच्छा, और बीपी का भी है कोई निदान आपके पास? बीपी का कोई नहीं खास नुस्खा नहीं है ना। ये एलोपैथिक गोली है ना, ये तो ऐसी है, कोई गोली शुरू में बीपी हो 5-6 साल दस जाए गोली, फिर उससे हाई डोज मांग ली, फिर वो डबल करनी पड़ेगी, फिर उस डबल करो या उससे और ऊंची स्तर की लो, वह 2-4 साल दस जाए फिर ऊंची स्तर की लो। जिंदगी हमारी आयुर्वेद की जो गोलियां है ना बीपी की, वो जड़ से नहीं खत्म करती। आयुर्वेद में मुकम्मल इलाज ना, इसका कौन मुकम्मल, तो एलोपैथी में भी कौन नहीं, वो गोली लेते रहो वो तो मतलब हमारे एक आता है चिंतामणि रस आयुर्वेद के, वो बीपी की टॉप की दवाई है चिंतामणि रस। अच्छा। एक जवाहर मोहरा नंबर एक गोली है, अब चिंतामणि रस की जवाहर मोहरा नंबर वन ये दो गोली है। अच्छा, जो जवाहर मोहरा नंबर एक है नहीं, या जो आदमी खानदार है उसको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। अच्छा, युद्ध पक्का इलाज है। अच्छा, लेकिन खानी पड़े रोज रोज एक गोली, रोज एक गोली, दो गोली सुबह शाम। अच्छा, जो अपना चिंतामणि रस है वो लियो, इतना बीपी नहीं होगा। एलोपैथी का इलाज तो वो भी एलोपैथिक में भी लियो, इतना को नहीं होगा बीपी, छोड़ती फिर पक्का इलाज हो नहीं, ठीक है ना। दोस्तों, ये हैं वैद्य छबीलदास नेहरा जी, 80 साल की उम्र है, देख लो कैसे फूल से पड़े हैं। तो बहुत रोगों का इलाज किया है, कुछ बातें हमें भी बताई हैं, फिर मौका मिल गया तो नेहरा साहब से फिर बातें करके जाएंगे। आपको किसी स्पेशल रोग की जानकारी इनसे पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले इंटरव्यू में इनसे उनकी जो नुक्ते हैं वो पूछ के आपको बता दूंगा।